हेलो फूडीज, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं ये है फूडी। दोस्तों, हमारे हो गए 100+ सब्सक्राइबर्स विद इन 3 वीडियोस। आप सभी का प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर। पिछला साल जैसे हम सभी के लिए रहा बेकार, मगर अच्छा हो ये नया साल हम सभी के लिए। इसी उम्मीद के साथ मैं शुरू करता हूँ अपना नया वीडियो। दोस्तों, हम आज आए हुए हैं मयूरिया फेज 3 में श्री बालाजी समोसा सेंटर पे। यहाँ मिलते हैं 18 तरह के समोसे, तो देखते हैं अंदर जाके बात करते हैं भैया से इनके समोसे के बारे में क्या है लाजवाब। लेट्स सी। तो हम अब श्री बालाजी समोसा सेंटर में भैया से बात करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, आपके यहाँ कितने तरह के समोसे मिलते हैं? हमारे 18-20 तरह के समोसे मिलते हैं। 18-20? तो ये आपको कॉन्सेप्ट कैसे आया दिमाग में कि इतने तरह के समोसे बनाया, ये कॉम्बिनेशन हम लोग करें समोसे? कुछ अलग अलग हटके होना चाहिए ना, मतलब जो भी पहले आलू का चलता था हमारा पहले आलू का बिकते थे, तो हमने कुछ अलग कराए। आज 4 साल हो गए इस दुकान। अच्छा, 4 साल हो गए। तो भैया आपके और भी ब्रांचेस हैं? हाँ, और ब्रांच और ब्रांचेस भी। तो ज़्यादा आपका ईस्ट दिल्ली में ही है या बाहर के साइड में भी है? वेस्ट दिल्ली में? इसी है, ईस्ट दिल्ली में। ईस्ट दिल्ली में। तो भैया आप आज हमें क्या टेस्ट कराना चाहेंगे और आपका सबसे ज़्यादा बिकने वाला समोसा क्या है? हमारे तो सारे बिकते ज़्यादा तो वैसे। अच्छा, तो फिर भी आपको ही हमें रेकमेंड करना चाहिए टेस्ट के लिए? टेस्ट के लिए मलाई पनीर है, चॉकलेट समोसा हमारे पास, तंदूरी पनीर है, चिली पनीर, प्याज पनीर, मतलब जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो अब हम टेस्ट करेंगे और आपको देंगे हम बिल्कुल सही रिव्यू। और दोस्तों, हम जो भी टेस्ट करते हैं उसको हम पैसे देके खाते हैं, तो रिव्यू एकदम सही रहेगा। हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं बताएंगे जो गलत हो। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने रिव्यू पे। ये है हमारा पिज्जा समोसा और ये है हमारा कढ़ाई पनीर, मलाई पनीर समोसा। तो शुरू करते हैं हम पिज्जा समोसा से, चटनी के साथ लगाया। दोस्तों, है ये पिज्जा समोसा, पर मुझे पिज्जा जैसा इसके अंदर कुछ दिखा नहीं। इसके अंदर ना तो कोई चीज लग रही है मेरे को किसी तरह की, और पिज्जा में मटर कब से आने लग गया ये भी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हमने मेयोनीज के साथ कुछ कोशिश की है बनाने की, बट आई एम नॉट श्योर ये है क्या। मलाई पनीर समोसा ट्राई करते हैं अपना। ये कुछ चीज़ है, इसको हम बोल सकते हैं कुछ डिफरेंट। स्टफिंग बहुत अच्छी है, दोनों समोसे के अंदर काफ़ी डिसेंट स्टफिंग है। 20 रुपीज़ में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी है। दोस्तों, रिव्यू पे आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अमिताभ बच्चन साहब ने बोला था कि उन्हें कुछ चेंजेस पसंद नहीं है, मुझे भी समोसे का ज़्यादा खिलवाड़ पसंद नहीं है। जो आलू के साथ टेस्ट होता है समोसे का वो अलग ही है, और ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। ट्राई करने के हिसाब से आप जरूर कर सकते हैं, आज की जनरेशन को ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। अब मैं आते हैं अपने रिव्यू पे। वैल्यू फॉर मनी अगर आप 20 रुपीज़ में देखें तो बहुत अच्छी क्वांटिटी है, काफ़ी स्टफिंग के साथ और काफ़ी बड़ा समोसा है, जो कि आज की डेट में मिलना बहुत मुश्किल है, और इतनी वैरायटी आपको एक जगह मिलना इम्पॉसिबल है। प्रेजेंटेशन वाइज काफ़ी सुंदर समोसा है, ऑयल का क्वालिटी, और अगर आप देखिए इसमें ऑयल भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो बहुत अच्छा तला गया है, बहुत अच्छे कारीगर इनके पास हैं। और अगर आप पूछे टेस्ट वाइज, टेस्ट मुझे काफ़ी डिसेंट लगा। आप ये मलाई समोसा ज़रूर ट्राई कीजिए यहाँ पे, दिस इज़ वर्थ टू ट्राई। फ्रेंड्स, आते हैं अपने रिव्यू पे। प्रेजेंटेशन वाइज मैं इनको देना चाहूँगा 4 out of 5। क्वान्टिटी वाइज भी काफ़ी डिसेंट है, तो वैल्यू फॉर मनी 4 out of 5, और टेस्ट वाइज अगेन 4 out of 5। काफ़ी डिसेंट समोसा है, मलाई समोसा ज़रूर हम इधर ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी नए जायके की तलाश में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे नए जायके की तलाश में आपके सामने प्रस्तुत करते रहें 101 डिफरेंट जायके दिल्ली NCR और आगे जाके पूरे इंडिया के भी। टिल देन, स्टे होम्ड, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।